नमस्ते, आप सबका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ पार्थ के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक मास्टरिंग इक्विटीज इन्वेस्टमेंट्स इन 100 डेज, जो ये मैंने सीरीज शुरू की है। इसे बिना और टाइम लेते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज है हमारा डे 5, 5वां दिन है इस सीरीज का, और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। आप लोगों ने न्यूज में, यानी टीवी में, न्यूज़पेपर में, मोबाइल में, अपने दोस्तों से कई बार स्टॉक्स और ये बॉन्ड्स सुना होगा। स्टॉक्स तो मैं अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से आप सबको समझा चुका हूँ। आज बारी है बॉन्ड समझाने की और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब ये दोनों समझाता हूँ मैं आपको। शुरू करते हैं हम बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स एक तरीके का एक लोन लेटर टाइप्स होता है, जो कि जो कंपनीज है वो हमसे लेती है। बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अब ये कैसे काम करता है? एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है जो हमारा हम कंपनी को दे देते हैं, उसके अगेंस्ट हमें हर साल कंपनी रेट ऑफ रिटर्न देती है। बैंक से जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। जब हम कंपनीज को लोन देते हैं तो उसे रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। इसी तरीके से वो हमें रेट ऑफ रिटर्न हर साल मिलता रहता है, और जब उसकी मेच्योरिटी होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5 साल के लिए बॉन्ड वैलिड है, तो 5 साल की समाप्ति पे हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाता है। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स में हमारी मर्जी रहती है। आज हमने शेयर खरीदा, हम कल बेच सकते हैं, यानी हमारे पास पैसे की लिक्विडिटी होती है, हम कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है कि आपको ऐसे परमानेंटली रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई चार्जेस चार्ज करेंगे या और कोई चीज। इसी तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर में हमें वोटिंग के राइट्स मिल जाते हैं, और हम कंपनी के एक हिस्सेदार होते हैं, यानी पार्शियल ओनर होते हैं। जबकि बॉन्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी को हमने पैसा दिया रहता है, और हमें वो रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, जो भी डिसाइडेड रहता है, जिस पर भी डिस्क्लोज किया जाता है। और वो डिस्क्लोजर भी हमारे हाथ में नहीं रहता, वो कंपनी के ही हाथों में होता है। अब बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। मेरे हिसाब से स्टॉक्स ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हर साल आप स्टॉक्स में 20 से 30% तक का रिटर्न, अगर आप अच्छे से एक स्ट्रेटेजिक वे में हम मेरे साथ या मेरे जैसे किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनके साथ कनेक्ट करोगे, तो 20 से 30% का रिटर्न बहुत ही इजीली लेके आ सकते हो स्टॉक मार्केट से। बॉन्ड्स में उतना नहीं रहता, 10% 12%, उससे ज्यादा बॉन्ड्स का रिटर्न नहीं रहता है आज के डेट में। इसी तरीके से आप स्टॉक्स में क्या रहता है, हम कंपाउंडिंग इफेक्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने आज लगाए, मुझे 20% का रिटर्न मिला 120 रुपए। 120 रुपए को मैंने वापस लगाया, उस पे अब मुझे 20% हुआ, यानी ये 24 रुपए हो गए, यानी इससे हो गया 144 रुपीज। ऐसे करके कंपाउंडिंग इफेक्ट से ये बढ़ते जाता है। बॉन्ड्स में क्या है, आज आपने 100 रुपए लगाए, एक साल बाद आपको 10 रुपए मिल गए, 2 साल बाद आपको फिर 10 रुपए मिल गए, क्योंकि 10% का रेट था। ऐसे करके 5 साल में आपको 50 रुपए मिल गए, और 5 साल की समाप्ति पे आपको आपके 100 रुपए वापस मिल गए। इस तरीके से बॉन्ड में आप सिर्फ 150 रुपए कमाते हो, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था उसी के हिसाब से, और उससे ज्यादा तो आज के डेट में इन्फ्लेशन ही हो जाता है। चलिए, आज की इस वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगा, इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको स्टॉक्स और बॉन्ड्स का एक बेसिक डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी सवाल रहता है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी सेम चीज की इंग्लिश सीरीज भी चालू है, आप लोग उसे भी देखिए, आपको जितना बेटर लग रहा है आप वो देखिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, ताकि वो भी ये बेसिक नॉलेज ले सके। लास्ट में एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।